लैपटॉप और डाटा नहीं मिला तो टैब क्या मिलेगा। फिर से वही जो है, चुनाव के लिए लॉलीपॉप दिया जा रहा है और कुछ नहीं मिलना है नहीं कुछ छात्र को। टैबलेट तो बात छोड़िए, ये तो रिक्शा ही नहीं सही से चला पा रहे हैं तो क्या ही करेंगे। उन्होंने वादा किया अभी तक पूरा भी नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी वो देगी। इस समय तक तो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं किया गया डिस्ट्रीब्यूट। अब टैबलेट की झांसे में आइए और सरकार बनाइए और अगली सरकार में फिर और कुछ महंगा। हर बार ऐसे ही कहते हैं कि हम देंगे पर वो देते नहीं है। जब डाटा नहीं मिल सका तो टैब तो बड़ी दूर की बात है, आप समझ सकते हैं। पहले वो कम जो लैपटॉप और 2 GB डेटा देने का था वो वादा पूरा करे, फिर उसको देखे वो बाद की बात है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में इस बात को लिखा गया है कि जो बच्चे आगे पढ़ने जाएंगे उन बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा। भारत के नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ। भाजपा के नेतृत्व के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सियासत में लैपटॉप स्कीम की बात जोरों पर है। हरदोई में अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा है कि सीएम योगी लैपटॉप चलाना नहीं जानते, इसलिए उन्होंने छात्रों को दिया भी नहीं। अखिलेश ने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री मोबाइल चलाना भी नहीं जानते, ऐसे में वो युवाओं की बात कहां समझेंगे। लैपटॉप के नाम पर सियासत इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने 2017 के चुनाव में वादा किया था कि छात्रों को अखिलेश सरकार की तर्ज पर ही न सिर्फ लैपटॉप देंगे बल्कि 1 GB डेटा भी देंगे। लेकिन 4.5 साल बीतने के बाद भी जब योजना बस कागजों पर ही रह गई, तो अखिलेश ने योगी सरकार पर सवाल उठा दिए। हम उनसे जानना चाहते हैं कि 4.5 साल बताओ इन बच्चों को कौन सी टैबलेट देते रहे आप। यूपी में बीजेपी के इस दावे पर छात्रों में नाराजगी है, वहीं अखिलेश का बयान इसे हवा दे रहा है। प्रदेश के तमाम जिलों में हमारे संवाददाताओं ने युवाओं खासकर छात्रों से ये जानने की कोशिश की कि लैपटॉप वितरण के वादे और इसकी हकीकत का अंतर क्या है। सुनिए हम यूपी के लोगों की बात। सरकार जब आती है तो हमेशा कुछ न कुछ अपने वादे लेकर के आती है इस लालच में कि लोग हमें वोट देंगे, लेकिन वक्त के बाद वो भूल जाते हैं। तो उनको पहले अपने वादे, जो पुराने किए हुए वादे हैं, उन पे पहले फोकस करें, उसको पूरा करें और अपने उम्मीदों पे खरा उतरे। उसके बाद जो नए वादे कर रहे हैं उनको देखें। पहले वो कम जो लैपटॉप और 2 GB डेटा देने का था वो वादा पूरा करे, फिर उसको देखें, वो बाद की बात है। गवर्नमेंट ने तो पहले डिसाइड किया था कि जो ग्रेजुएशन में एंट्रेंस लेंगे उनको टैबलेट देंगे, 2 GB डेटा पर स्टूडेंट को दिया जाएगा, लेकिन वादा उन्होंने पूरा किया ना। डायरेक्टली टैब देने की या लैपटॉप देने की बात हो रही है, उस पर भी अभी आप कॉल पे सीएम हेल्पलाइन पे कॉल करो तो कोई इशू नहीं वहाँ पे। वो कह रहे हैं हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो गवर्नमेंट क्लीन कर रही है, बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। लैपटॉप और डाटा नहीं मिला तो टैब क्या मिलेगा, तो झूठ है। हो सकता है सर, जब मिल जाएगा तो फिर सच होगा, नहीं मिलेगा तो फिर झूठी है। देखिए, जब इनकी सत्ता आने वाली थी तब अमित शाह जी ने भी बोला था कि प्रतिदिन जो है छात्रों को 1.5 GB डाटा मिलेगा, टैबलेट दिया जाएगा। और जब पंचवर्षीय अभी ये वाली योजना आई है इनकी योगी जी की, उसमें भी बोला गया था कि छात्रों को टैबलेट दिया जाएगा। अब जब फिर से चुनाव आ गया तो फिर से बोल रहे हैं कि देंगे टैबलेट। फिर से वही जो है, चुनाव के लिए लॉलीपॉप दिया जा रहा है और कुछ नहीं मिलना है नहीं कुछ छात्रों को। देना है तो रोजगार ही दे दो। लखनऊ में जो इस समय बैठे हुए हैं छात्र, जो है आंदोलन कर रहे हैं अपनी रोजगार के लिए ही, 69,000 भर्ती का ही मामला फंसा हुआ है, वही क्लियर करा दे, उतना ही मिल जाएगा तो वोट मिल जाएगा इनको। टैबलेट बाद में दे दें, पहले रोजगार दे दें छात्रों को। ये लैपटॉप पहले इन्होंने देने के लिए कहा, लेकिन समय बीतता गया, 1.5 GB डाटा देंगे, वादे तो करते गए लेकिन इन्होंने वादे आज तक पूरे नहीं किए ना, तो अभी तक हमें 1.5 GB क्या 2 MB तक नहीं मिला। वो तो बात ही छोड़ दीजिए, 1.5 GB की बात ही छोड़ दीजिए, टैबलेट तो बात छोड़िए, ये तो रिक्शा ही नहीं सही से चला पा रहे हैं तो क्या ही करेंगे सर। लड़के जो क्लासेस चल भी रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं सही चला पा रहे हैं, ना तो टैब क्या, जिनके पास है भी उनको ना मोबाइल स्मार्टफोन ही दे पाए तो टैबलेट क्या ही देंगे। भाजपा सरकार, इनको पहले ही वादा पूरा करना चाहिए था। ये जो अभी लॉलीपॉप दे रहे हैं ये उतना अच्छा हम लोग नहीं मान सकते, लेकिन जहाँ तक युवाओं में इसका प्रचार है बहुत अच्छा जा रहा है। और आप बात कर रहे हैं लैपटॉप की, तो लैपटॉप और 2 GB, बहुत सारी सरकारें आती हैं, वादा करती हैं, कई वादे अपने पूरी करते हैं, कई वादे वो पेंडिंग में रखते हैं, और जब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है तो ऐसे उसको लुभावनापन देने का जनता को प्रयास करती है। खैर जो भी है, अंततोगत्वागत टैबलेट देने का उन्होंने ये वादा किया है और साफ तौर पर उसकी प्रक्रिया भी चल रही है, तो एक सकारात्मक पहल हम इसे कह सकते हैं। जहाँ तक रही बात डाटा की, तो उसके लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए। आजकल तो जियो का भी बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। युवाओं के लिए हमेशा यही रहता है कि हमेशा जो है लुभावने वादे करते हैं, पूरा करने के मामले में जो है कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आप देखें जैसे 2013 से लेकर जब हम
हाई स्कूल में थे 2013 में जब हम हाई स्कूल में थे तब भी जो यही आया था कि जैसे जो है जो इंटर में है उनको लैपटॉप मिलेगा, जो हाई स्कूल में है उनको आकाश टैबलेट मिलेगा, लेकिन आज तक जो है मतलब कुछ पूरा हुआ था इंटर वालों को, उनको जो है अखिलेश सरकार थे उस समय जो उनको मिला, कुछ लोगों को मिला कुछ लोगों को नहीं मिला, और टैबलेट तो भूल जाइए वो तो बहुत दूर की बात हो गई थी। और जो अब की गवर्नमेंट है ये भी हमेशा जो है कहती है कि जो है आपको लैपटॉप देंगे, आपको जो है टैबलेट देंगे, आपको वाईफाई देंगे, आपको डेटा देंगे, डाटा देते रहते हैं फ्री में, तो उसके बावजूद जो है इन लोगों ने कभी पूरा तो किया नहीं। समझना चाहिए इन लोगों को कि अगर आप कह रहे हैं तो कम से कम कुछ तो करने की कोशिश कीजिए, ये करने की तो कोशिश ही नहीं की। कोरोना का टाइम था तब हमें नेट की और फ़ोन की बहुत ज़रूरत थी, तब तो उन्होंने दिया नहीं। बच्चे बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने मे भी पढ़ाई नहीं की होगी, कारण उनका फ़ोन ही था। अगर वो अब नहीं दे पाए तो अब देने का कोई चांस बनता नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि वो अब दे पाएंगे। चुनाव के पहले कोई चीज़ वादा करना और देना, उसके बाद ना देना, ये अलग बात है। उन्होंने वादा किया और अभी तक पूरा भी नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी वो देगी। गवर्नमेंट तो मुझे नहीं लगता अब दे पाएगी, जब 4 साल पहले नहीं दे पाई तो अब कैसे दे देगी, और अभी तक भी इसका कुछ दिख नहीं रहा है। जब गवर्नमेंट ने वादा किया तो क्या चुनाव के बाद देंगे? क्या देना तो चुनाव से पहले चाहिए कि जब आपकी गवर्नमेंट दोबारा बन जाएगी तभी देंगे? पहले दीजिए, इस समय तक तो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं किया गया डिस्ट्रीब्यूट? अभी तक ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तब तो बच्चे को सबसे ज़्यादा नीड थी, तब तो आपने प्रोवाइड नहीं किया, और अभी भी आपका ऐसा मूड तो नहीं लग रहा प्रोवाइड करेंगे, अभी तो ये आपको वादा लग रहा है। सरकार ने कहा था कि वो एक लैपटॉप और 1 GB डाटा के साथ आपको मुहैया कराया जाएगा मेधावी छात्रों को, पर सरकार ने अब ये है कि मेधावी है ही नहीं उनकी नज़र में, कोई मेधावी ढूंढना है। अभी वो छन्नी लेके कहीं से मेधावी निकलेंगे तो उनको दे देंगे, अब चुनाव आ रहे हैं तो फिर उन्होंने कहा टैबलेट देंगे साथ में। अब टैबलेट के झांसे में आइए और सरकार बनाइए, और अगली सरकार में फिर और कुछ महंगा पाए। सरकार का कोई भी नियम या कोई भी वादे इनके पूरे नहीं होते हैं, और अब सरकार इनकी फिर से आने वाली है, इलेक्शन आ गया है, इस वजह से ये अपने वादे बता रहे हैं और पूरा कुछ नहीं होना है। इन्होंने बोला था कि लैपटॉप के साथ 1 GB डेटा दिया जाएगा फ्री स्टूडेंट्स को, उसका भी कुछ नहीं हो रहा है, और जितना भी है इनसे हर एक पब्लिक, हर एक स्टूडेंट, युवा, सारा लोग परेशान है। वादा तो हुआ क्या, 1 GB डाटा और लैपटॉप देने के लिए बोला था, पर वो मिला कुछ नहीं। अब हम लोग BA में भी पहुँच गए हैं, हम लोगों को कुछ नहीं मिला, उनका वादा पूरा नहीं हुआ है। हम लोग मतलब इंटर फाइनल हुआ, इंटर हम लोग का निकल गया, BA फर्स्ट ईयर में आ गया, फिर भी हम लोग की 2 साल पढ़ाई बेकार गई। उन्होंने वादा तो किया हम लोगों से पर वो पूरा नहीं किया, ना तो मतलब लैपटॉप देने कहे थे और स्क्रीन टच फोन भी कहे थे, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। सरकार कह रही है हम टैब देंगे, तो क्या उम्मीद है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं उम्मीद है, क्योंकि वो हर बार ऐसे ही कहते हैं कि हम देंगे, पर वो देते नहीं है, इसलिए उनका बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि वो देंगे। उन्होंने वादा तो बहुत किया देने के लिए, पर उनका वादा पूरा नहीं, जैसे इस बार वो कह रहे हैं वो भी टैब देंगे, और पता नहीं वो भी वादा पूरा होगा नहीं। वो हमें आज तो बहुत लगाते हैं पर वो आज तो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस बार जो वादा करें उस वादा पे वो खड़े। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, बच्चों को इतनी सारी सुविधाएं देने के लिए बोला गया था, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ करना चाहिए सरकार को, अभी तक हमको लैपटॉप या 1 GB डाटा भी नहीं मिला है। अब कह रहे हैं टैब देने की बात कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? जब डाटा नहीं मिल सका तो टैब तो बड़ी दूर की बात है, आप समझ सकते हैं। अभी तक तो नहीं मिला है, अभी हम सब उसी का इंतजार कर रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो हम लोग का पढ़ाई हो सकता है। ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल घर से मिलता नहीं, अगर सरकार देते तो हम लोग पढ़ाई कर सकते थे। अब सरकार कह रही है कि अब हम टैब देंगे, तो ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं आप? सर अभी तो सरकार कह रही है, पता नहीं देगी कि नहीं देगी, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। ऐसे आया था कि मोबाइल मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, साइकिल मिलेगा, अभी कुछ भी नहीं मिला है।